नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज और मैं हूं आकाश द्विवेदी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा सपना स्वच्छ भारत अभियान, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी कई बार मंच से, रैलियों से और अपने क्रियाकलापों से देश के नागरिकों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत जागरूक करते हुए दिखाई देते हैं। शौचालय निर्माण में नरेंद्र मोदी ने खास तरीके से काम किया है। उनके मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक स्वच्छ भारत अभियान पर कसीदे पढ़ते और शौचालय निर्माण की बातें कहते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के इस सपनों को पलीता लगा रहा है बाराबंकी का रामनगर प्रशासन। इन मासूम बच्चों को देख रहे हैं आप, ये हर दिन अपना स्कूल बैग उठाकर बाराबंकी में रामनगर तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय लहड़रा में पढ़ने आते हैं। लेकिन जब इन्हीं बच्चों को शौचालय की व्यवस्था ना मिले तो हम यहाँ किन बातों पर सवाल खड़ा करें। इस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हर दिन नित्य क्रिया के लिए खेतों में जाने पर मजबूर हैं। स्कूल का क्या नाम है? लहड़रा। पूर्व माध्यमिक विद्यालय लहड़रा। तो शौचालय बने हुए हैं, ठीक है? नहीं। तो आप लोग शौच करने के लिए कहाँ जाते हैं? खेत। फ्री होते हैं? कब से खराब पड़े हुए हैं? 2-3 महीना हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों के शौचालय किस तरीके से खंडहर में तब्दील हो गए हैं। ऐसे में हर दिन इस विद्यालय के छात्र छात्राएं अपनी सुरक्षा को खतरे में डालकर पास के खेतों में शौच के लिए जाते हैं। इन सब पर इस प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इसमें जो है टूटे फूटे हैं, सही नहीं है। सही नहीं है। तो बच्चे शौच करने के लिए कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं। कब से टूटे हुए पड़े हैं? हो गया है, बाढ़ से आई है तब से गड़बड़ गड़बड़ हुए हैं। इसकी आपने किसी से शिकायत की अभी तक नहीं की? शिकायत तो जाती है, महीने जाती है, बताया जाता है। ग्राम प्रधान क्या कहते हैं इस पर? अब ग्राम प्रधान तो कह रहे थे कि काम शुरू करेंगे, दो स्कूल वो फाइनल हो जाते हैं। लगाएं आप यहाँ के देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।